हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3 में 1 to 9 सम्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को और चैप्टर दोनों को खत्म करने वाले हैं। 1 to 9 सम्स देख लिए थे, अब मैं करवा रहा हूँ 10th सम। 10th सम प्रॉब्लम सम है और बहुत ही आईएमपी सम है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें दिया हुआ है मार्केट 1 और मार्केट 2 में एनुअल सेल्स। तो मैं सपोज करूंगा ऐसा कुछ, ये मैंने सपोज किया है जिसमें है ये 10,000, ये 6,000, ये 2,000 और ये है 20,000 और ये है 18,000 और ये 8,000, राइट। और हमें पूछा, हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड की सेलिंग प्राइस। तो मैं उसको बी मैट्रिक्स सपोज करने वाला हूँ और बी को मैं, इसको मैंने रो में ली, कॉलम में लिया है ना, तो इसको मैं रो में लूंगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हमारा हो जाएगा 2.5, यह 1.5 और यह है 1, ओके। तो हमें टोटल रेवेन्यू जनरेट करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ए बी, ओके। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ए आ जाएगा और बी ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर है 10,000, यह 6,000, 2,000, 20,000, 18,000 और यह है 8,000। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो हमें एनुअल सेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, यह है 2 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और यह है 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 क्रॉस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000 प्लस 2 into 1.5, तो 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1, तो 18,000 और नीचे एक आ जाएगा, ये 6 into 2.5, तो 15,000 प्लस 20,000 into 1.5, तो 30,000 प्लस 8 into 1, तो 8,000। हमारा एनुअल सेल्स हो जाएगी 46,000, यह है 53,000, राइट। और रेवेन्यू जनरेट इन मार्केट 1, यहाँ पर लिखूंगा, ये दिख नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, रेवेन्यू जनरेटेड इन मार्केट 1 तो है 46,000 और मार्केट 2 तो हो जाएगा ₹53,000, ओके। और हमें दिया हुआ है बी में, ये था ए, है बी में दिया हुआ है इफ द सेलिंग प्राइस आर दिस दिस दिस, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मैं इसको भी वर्टिकल में लिखूंगा, तो हो जाएगा 2 1 0.5। तो नेट प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो सबसे पहले मैं टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करूंगा। टोटल कॉस्ट प्राइस तो है ए इंटू सी, तो यहाँ पर है 10,000, यहाँ पर है 6,000, यहाँ पर है 2,000, यहाँ पर 20,000। ए ही, अभी तक मैंने सिर्फ ए ही लिखा है, पर 18,000 और यहाँ पर है 8,000। इंटू सी कर दूंगा 2 1 0.5। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब मल्टीप्लिकेशन कर देना, 31,000 और यह है 36,000, ओके। अब ये मुझे मिली है, ये है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए
इसमें से माइनस करना पड़ेगा इसको, ओके okay? तो मुझे कॉस्ट प्रॉफिट मिल जाएगा. सो प्रॉफिट इन वन इज इक्वल्स टू 46,000 माइनस 31,000 इज इक्वल्स टू 15,000, राइट. और प्रॉफिट इन टू इज इक्वल्स टू 53,000 माइनस 36,000, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 17,000, राइट. बस तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, आप लिख लीजिए. चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1. अब मैं करवा रहा हूँ 11th सम, सीरीज में ही जाएंगे, तो जैसे कि आपको याद रहे. और फ्रेंड साथ में लिखते रहना है फ्रेंड, ये सब सम सबको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि मैं IMP भी बता रहा हूँ कि ये सब बहुत पूछने वाले हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू दिस बड़ा सा ब्रैकेट -7 -8 -9 और 2, 4, 6. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये है टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, और यहाँ पर भी है टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स. मतलब ये जो मेरा एक्स होगा ना वो टू क्रॉस टू ही होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये मिलाकर ये ऐसा सम लाना है, राइट. तो यहाँ पर इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, पर इन दोनों को मिलाकर ये बनने वाला है, तो मुझे एक्स मिल जाएगा टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स. तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज क्लियर दैट एक्स इज अ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, राइट. अब हम क्या करेंगे, एक्स को कुछ सपोज कर लेंगे, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी. मैंने सपोज कर लिया ए को, अब मैं इसको यहां पर रख दूंगा ए बी सी डी 1, 2, 3, 4, 5, 6 -7 -8 -9 2, 4, और 6, राइट. चलिए अपने पीछे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 4b, यहाँ पर है 2a+5b और 3a+6b, पर है c+4d, यहाँ पर 2c+5d, यहाँ पर है 3c+6d, ओके. और यहाँ पर तो ये ब्रैकेट एज इट इज -7 -8 -9 और 2, 4, 6. अब कंपेयर कर देंगे, और कंपेयर करने के बाद ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये सब सॉल्व हो जाएगा. और हम उसको यहाँ पर रख देंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी में रख देंगे, तो हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा. वो आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो तो 9th स्टैंडर्ड से आ रहा है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में का कॉन्सेप्ट नहीं है. फाइंड आउट करके यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये सम सॉल्व हो चुका है. चलिए चलते हैं 12th सम पर. 12th सम बहुत अच्छा सम है, बहुत ही अच्छा सम है, बहुत बार पूछा भी गया है. आप लिख लीजिए इन 3, 2, 1. 12th सम, 12th सम में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्राइसिस फॉर सेम ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए दिया हुआ है, देन प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू बी रेस टू एन ए, राइट.
इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करना है हमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पी ऑफ एन मैं लिखूंगा यहाँ पर, ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू बी रेस टू एन ए, राइट। और एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए सबसे पहले मैं प्रूव करने वाला हूँ, एल एच एस इज इक्वल्स टू ए बी और आर एच एस इज इक्वल्स टू बी ए। सो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, सो पी ऑफ 1 इज ट्रू। अब मैं पी ऑफ के सपोज करने वाला हूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सपोज पी ऑफ के इज ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू एन, ओके। यहाँ पर पी ऑफ के हो जाएगा ए बी रेस टू के इज इक्वल्स टू बी रेस टू के ए, राइट। ये मैंने इक्वेशन सपोज किया है, इक्वेशन 1। आप लिख लीजिए, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 3 2 1। अब मैं करूंगा एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करने वाला हूं। सो एल एच एस इज इक्वल्स टू ए बी रेस टू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू, स्प्लिट कर दूंगा बी रेस टू के इंटू बी, और अब इसको यहाँ पर आगे ले लूंगा, हो जाएगा बी रेस टू के ए बी और बी रेस टू के इंटू ए बी। ए बी को मैं है ना फर्स्ट इक्वेशन से लिख दूंगा, तो हो जाएगा बी ए, तो हो जाएगा बी रेस टू के प्लस 1 और ए। बस यही तो है हमारा आर एच एस, बस। तो भाई हमने सब सॉल्व कर लिया है, आप लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर जाना है। और इसको हम ऐसे एक रिजल्ट की तरह प्रूव करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए बी रेस टू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू बी रेस टू के प्लस 1 ए। इसको मैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सम में यूज करने वाला हूँ। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है। आप लिख लीजिए इन 3 2 1। अब ये भी लिख लीजिए इन 3 2 1। और मैं यहाँ पर लिखूंगा सो एन बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, पी ऑफ एन इज ट्रू, राइट। आप लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट ऑफ द सम क्या है फ्रेंड्स? सेकेंड पार्ट कुछ ऐसा है, मुझे प्रूव करना है ए रेस टू ए बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन, सॉरी ए रेस टू एन बी रेस टू एन, बस ये प्रूव करना है। सबसे पहले फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 एल एच एस इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ए बी रेस टू 1 तो ए बी हो जाएगा, राइट। और आर एच एस मेरा हो जाएगा ए रेस टू 1 बी रेस टू 1, तो हो जाएगा ए बी। सो पी ऑफ 1 इज ट्रू, राइट। अब मैं सपोज करूंगा लेट पी ऑफ के बी ट्रू, ओके। सपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी रेस टू के इज इक्वल्स टू ए रेस टू के बी रेस टू के, इसको मैं राइट मान रहा हूं, राइट। अब यहां पर लिखने वाला हूं फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1, मैं प्रूफ करने वाला हूं, तो एल एच एस हो जाएगा एल एच एस इज इक्वल्स टू ए बी रेस टू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा ए बी रेस टू के इंटू ए बी, राइट। अब यहां पर हो जाएगा ए रेस टू के और ए बी रेस टू के इंटू बी, है ना। मैंने क्या किया फ्रेंड्स, इसको और इसको साथ में लिख दिया, यहाँ पर ए बी रेस टू के, ए बी रेस टू के और साथ में लिख दिया, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ए रेस टू के प्लस 1 बी रेस टू के प्लस 1,
और फ्रॉम वन, ओके। और मैंने ये कैसे लिखा, फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट, ये मैंने लिखा है फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट, ये वाला, ये रहा राइट, आपको तो पता चल रहा होगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर करके लिखा है। आप लिख लीजिए, मुझे एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है एल एच एस, और यहाँ पर हो जाएगा एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, सो पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, राइट। सो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, पी ऑफ एन इज ट्रू, राइट। ये सम भी सॉल्व हो चुका है, आप लिख लीजिए। चलते हैं आखिरी के तीन सम्स पर और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 सम, आप लिखिए 3 2 1, चलिए। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 13 सम है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, राइट। और हमें दिया हुआ है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लूंगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1001, राइट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1001, और कंपेयर कर लूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1, सो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा ऑप्शन सी है आंसर, आप लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 3 2 1, चलिए। अब मैं 14 सब करवा रहा हूँ, सीक्वेंस में जा रहा है तो आपको भी पता चलेगा। यहाँ पर बोला हुआ है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सो ए डैश सिमेट्रिक मतलब ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब मैं क्या करूंगा, ए डैश प्लस ए डैश कर दूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला और ये वाला ए माइनस ए, सो टू ए डैश इज इक्वल्स टू 0, ए डैश इज इक्वल्स टू 0, और ए डैश होता है ए तो 0, सो ए इज अ 0 मैट्रिक्स, राइट। ये सब भी सॉल्व हो चुका है, ये ऑप्शन है बी, आप लिख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1, चलिए। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, हमें बोला हुआ है तो यहाँ पर हो जाए, और देन फाइंड आउट करना है हमें आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a, राइट। तो सबसे पहले मैं ए क्यूब करूंगा, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर हमें a दिया हुआ है, सो a इंटू ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू a, राइट। तो अब हमें i प्लस ए क्यूब माइनस 7a फाइंड आउट करना है, i प्लस ए का क्यूब मतलब हो जाएगा यहाँ से i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3i a स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 7a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, i क्यूब तो होता है i, और यहाँ पर 3i स्क्वायर होता है 3i स्क्वायर इंटू a, i स्क्वायर i और ए आई तो हो जाएगा 3a प्लस आई इंटू ए स्क्वायर, तो 3a माइनस प्लस ए क्यूब होता है a, ए क्यूब में यहां से लिख रहा हूं माइनस 7a, तो हो जाएगा ये
ये और ये कट हो जाएगा आई, आई इज द आंसर, सो आंसर सी। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आपको किसी को डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, तो मैं वो डाउट्स भी क्लियर करवा दूंगा। और ये लेक्चर खत्म होने से पहले मैं एग्जाम्पल 27 करवाना चाहूंगा, जो कि बहुत अच्छा समय और बहुत से बच्चों को नहीं आ रहा है, ठीक नहीं आता है। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। चलिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, फिर भी लोगों को नहीं आता है ये सब। हाँ, बोला हुआ है इफ इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्राइसेस, सो ए डैश इज इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इज इक्वल्स टू बी, राइट। सिमेट्रिक मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी। सो ए डैश, सबसे पहले मैं करूंगा ए बी इज सिमेट्रिक, देन ए बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी, राइट। पर हमने ये डैश की प्रॉपर्टी है, ए बी का होल डैश तो हो जाएगा बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू बी ए, राइट, क्योंकि यहाँ से दिस और यहाँ से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, कन्वर्सली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, वी शैल शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, सो ए बी का होल डैश इज इक्वल्स टू बी डैश ए डैश इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू ए बी, सो ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी, राइट। बस यही तो हमें प्रूव करना था, बस यही था मैं प्रूव करना था। यहां से मैंने शुरू किया था ए बी का डैश, बी का होल डैश तो हो रहा है बी ए, सो ए बी इज इक्वल्स टू बी, बस यही हमारा आंसर है। बस इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।